अस्सलाम वालेकुम माय आर ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि है शादी की, जो कि आपकी फेवरेट वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह। और मेरे तो ऑलरेडी है, क्योंकि आपको इस वीडियो का इंतजार था, वो है शादी की। मेरे भाई की शादी है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो व्यूअर्स, जितनी भी शादी की सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। नहीं देखी तो वो भी जाकर देखें और ये वीडियो भी इंजॉय करें। एंड तक जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले आप देखिए कुछ चीज़ें और कुछ पैसे वगैरह, तो साथ आपने ये नाश्ते का भी देख लिया। जी, सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ते का काम जारी है, क्योंकि इसके बाद हमने बारात लेके जानी है और वेन्यू तक पहुँचना है, सारा कुछ करना है। तो इसलिए और सुबह सुबह ये जो गाने बजाने वाले या लेने, मतलब इस तरह से चल रहा है घर में, और दरवाज़ा भी खुला हुआ है, हर कोई को पता चल रहा है कि शादी और लाइट्स वगैरह की वजह से जितनी भी, और वैसे भी रौनक इतनी ज़्यादा है, तो सब कह रहे हैं कि हमें ये दें, मुबारक दें। तो कुछ इस तरह से व्यूअर्स, सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें देखी और पैसे देखे हैं। व्यूअर्स, वो होती है बर्तन के जो, मतलब एक दूसरे फैमिली के साथ करते हैं, देते हैं पैसे वगैरह एडवांस में। ये कुछ, मतलब ये आपको पता ही होगा रस्में वगैरह, तो इस लिहाज से व्यूअर्स कुछ बच्चे तो तैयार भी हो गए इतनी एक्साइटमेंट में। वो कहते हैं हमने नाश्ता नहीं करना, हमने रेडी होना, हमने लहंगा पहनना, ये करना, वो करना। तो यहाँ पे फजर हलीमा और साथ हजाब, जो कि मेरी वीडियोस में अक्सर आती रहती हैं, वही सबसे पहले रेडी हो के आ रही हैं। तो कुछ इस तरह से ये आवाज़ तो ठीक थी, लेकिन पंजाबी में तो कुछ समझ नहीं था आ रहा, तो मैं थोड़ी सी वो कर दूँगी, आप सुन लीजिएगा। लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं थी आई, तो इसलिए मैंने इसको वॉइस ओवर के दौरान मैंने कहा कि दोबारा वॉइस ओवर करती हूँ, उसकी कोई समझ नहीं है। कुछ रेडी हो गए, कुछ रेडी होना चाह रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा रौनक है माशाल्लाह। आगे व्यूअर्स, ये वो चीज़ें हैं, कुछ कपड़े दिए हैं स्पेशली अरसलान के, अरसलान के होने वाली वाइफ के, बल्कि हो गई हैं इंशाल्लाह होने वाली, बस कुछ घंटों की देरी थी। तो साथ में मिठाई वगैरह कुछ पैसे दिए जाते हैं, तो ये हमारी बर्तन है। नेक्स्ट फिर उससे बढ़ के और ज़्यादा दिया जाता है। इसके साथ ही इस्लाम को जो नोंदरा वगैरह देते हैं या जो इस्लामी वगैरह जो पैसे देते हैं, वो भी साथ जारी थे। सुबह सुबह नाश्ते के दौरान यही काम हो रहा था, पहले नाश्ता फिर ये, और इसके बाद इस्लाम ने चले जाना था सलून पार्लर, वहाँ पर रेडी शेडी होना था, क्योंकि उसने तो वहीं से रेडी होकर आना होता है, जैसे गर्ल्स जाती है तो उसने भी जाना था। तो मेहंदी वाले दिन भी गया था और बारात वाले दिन भी गया था। जो मेहंदी का मेन्यू था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और साथ उसके साथ ग्रीन टी वो और ज़्यादा मज़े की थी। तो कुछ इस तरह से व्यूअर्स, वो तो काम हो गया, स्नान चला गया तो रेडी होने के लिए। और यहाँ पे व्यूअर्स ये ढोल वाले भी आ गए, जिसे बैंड बाजा हुई कुछ इस तरह से, और इन्होंने भी आकर बड़ी पुरजोश रौनक लगाई। सब इतने एक्साइटेड, पूरे मोहल्ले वाले मुबारक दे रहे थे, इवन के जो आने जाने वाले वो सब मुबारक दे। और फाइनली जो मेरा भाई रेडी शेडी होके आ गया, उसका ब्लू और वाइट का कंट्रास्ट और हमारा कंट्रास्ट देखे व्यूअर्स, फाइनली आपको पता चल गया होगा हमने कौन से लहंगे बनवाए, हमने खुद बनवाए, और मैचिंग जो रेड कलर की है वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और ये कुछ ऐसी रस्म है जो कि मामू करवाते हैं, मामू जितने भी मामू वो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सब मामू खड़े हुए, ये मामू साहब बता रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि अच्छा इस तरह करना है, इस तरह करना है, इंस्ट्रक्शंस मतलब इस तरह से करना है। तो ये फाइनली रस्म हुई, और फिर साथ पैसे मिले स्नान को माशाल्लाह 5000 मिला इनको तोड़ने का। तो ये रस्म थी, ये ज़रूरी थी, कहते हैं फिर आपने बाहर जाना फिर इस तरह। व्यूअर्स, यहाँ पर देखें मेहमान कम है, और जितने भी वैसे लेने वाले हैं देने हुए, मतलब इस तरह से ज़्यादा, और गेस्ट वगैरह बेचारे इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम क्या करें, इस तरह से वो गुजर रहे हैं बड़े ध्यान। आपने देखा होगा कितनी वो परेशान थी एक्साइटमेंट, जैसे थोड़ा सा चांस मिला वो आगे गई, ये मेहमान हमारी। तो कुछ इस तरह से व्यूअर्स, भाई तो बैठ गया, तो इसे याद नहीं था किसने, मतलब एंट्री के दौरान भी कुछ पिक्स वगैरह लेनी है, फिर एक दफ़ा बैठ जाते हैं, लेकिन पहले बैठ के फिर एक दफ़ा पिक वगैरह ले लेता है। तो माशाल्लाह से बड़ी रौनक आई है, जैसे मेहंदी वाले दिन आए थे उस दिन भी, और मैं बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। कुछ इस तरह से व्यूअर्स, हम गोल्डन वाइट और रेड और मैरून कंट्रास्ट में, और मेहंदी, और ये देखें ये थोड़ा सा मेरा लुक है, कम्प्लीट पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। व्यूअर्स, अभी भी जितने पैसे लूटने वाले हैं, मतलब लेने वाले, वो आगे पीछे अपने जाल लिए खड़े हैं। अभी हम गाड़ियों में बैठ गए, फिर भी वो कह रहे हैं मुबारक दे दें, ये कर दें, वो कर दें, इस तरह से। खैर व्यूअर्स, देते रहना चाहिए, अभी देना है एंड तक, आगे भी देना है। तो इसलिए तब देखें, अब ये बाइक की जो फोटोशूट है वो चल रहा है, वो भी गाड़ी के साथ, क्योंकि अब लेने जा रहे हो हैं। तो यहाँ पे सारे की बात, मम्मी शादी पे जा रहे हो हैं? किसको लेने जा रहे हो? मम्मी को लेने जा रहे हो? माशाल्लाह, इतना पूरा पूरा बीबी तैयार हो गया है, मेकअप नहीं किया आपने है? ये आज क्यों ले हो? आज क्यों ले हो? किस कल कल के मिला है? आज क्यों ले हो आप है बताओ? आज क्यों ले हो? नाशू नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, मेरा पारा बेबी नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। ठीक है कौन यहाँ पीछे से? चुप कर, चुप।
कमेंट करिए तो फैमिली, आपने माशाल्लाह बोल देना, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। हम तीनों बहनें भी एक जैसी बिल्कुल हम सेम रेडी हुई थी। और अरफान को मैंने ये ड्रेस वेयर किया था, उमर ने वाइट कलर का, सबके साथ मैचिंग, उमर का, पापा का, अरसलान का, अरसलान ने सिर्फ शेरवानी ऊपर पहनी थी, और जमान का, मेरे भाई का, इन सब के सेम ड्रेसेस थे, सिर्फ वेस्ट कोट और ये थोड़ा सा कोट वगैरह का फ़र्क था, बाकी हर चीज़ सेम थी। तो उनके भी जो लुक है वो शेयर करती हूँ। उन्होंने एक बहुत स्पेशल मेरा एक यहाँ पे सीन है, मोमेंट है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो कुछ इस तरह वेन्यू तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा पीछे ही अभी रुके हैं इन्होंने, और यहाँ पे बरात लेके आगे अगर जाना है ताकि वेन्यू तक पहुँचे, और यहाँ से ही बेलें शुरू हो गई हैं और जाल भी आपने देखे ही है। तो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा हमारे मतलब वहाँ से जहाँ से गुजरात से भी ज़्यादा यहाँ पे इतना ज़्यादा था लोग पैसे लूटने के लिए, और बच्चे इतने ज़्यादा हमारे, इतने मेहमान नहीं होते थे। खैर व्यूअर्स ये भी होता है शादी के दिनों में, इस तरह से हल्ले गुल्ले होते हैं। और ये देखें उमर पैसे बांट रहे हैं सबको, इधर आओ मैं तुम लोगों को पैसे देता हूँ, बरात को गुजरने दो, इस तरह करो इस तरह करो। तो वो मैंने लुक आपके साथ शेयर किया, और इसमें पूरा मेकअप है, हर चीज़ है इसमें, जस्ट मेकअप है व्यूअर्स। लेकिन जो हम ब्राइड की चीज़ें वगैरह लेके आए वो एक अलग कैरी में है, और इस तरह से जो मतलब तकरीबन हम एक छोटा बैग और तीन कैरी लेके गए थे, दो बड़े लेके गए थे जिसमें सारी बड़ी की चीज़ें थी हर चीज़, और कुछ मामा स्पेशल चीज़ें भी लेके गई थी जो गोल्ड वगैरह की वो देते हैं मुबारक वगैरह के लिहाज से। और इस तरह से भी ये सब जा रहे हैं, बातें शातें कर रहे हैं, और कभी बैग कोई पकड़ लेते, कभी कोई पकड़ लेते, और बेबी को एक मेरी है आपी हैं आंटी हैं उन्होंने पकड़ा हुआ, हेल्पर भी हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हेल्प की है। तो यहाँ से बरात को देखा जा रहा है, इवन के जो ब्राइड हैं उन्होंने भी देखा था बरात को। तो यहाँ पे हम तीनों बहनें खड़ी हैं, हमारे हेयर स्टाइल भी सेम है, टीके वगैरह, ज्वेलरी, लहंगे, हर चीज़ सेम है। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से यहाँ पे देखे इतने पैसे फेंके गए, इतने ज़्यादा प्यार दिया गया, इतनी ज़्यादा दुआएं दी गई, इतनी मुबारकें दी गई। और ये उमर, उमर लेके भाग भाग रहे थे और पीछे बच्चों को इस तरह से कुछ वीडियोस मैंने कोई एक मोबाइल में कैप्चर नहीं थी व्यूअर्स, तीन चार मोबाइल में हुई है, फिर डाटा इकट्ठा करके एक वीडियो बनाई गई। अगर कुछ कमी रह गई तो मैं दोबारा अपलोड कर दूँगी, लेकिन आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो वेलकम हो चुके हैं फूलों के साथ, वो नहीं शेयर कर पाई क्योंकि कुछ फेस रिवील करने थे, कुछ नहीं थे करने। और इस तरह हम वेन्यू तक पहुंच रहे, पहले हम घर में गए और फिर अब वेन्यू तक जाने लगे व्यूअर्स। तो वेन्यू भी ये है कि लास्ट मोमेंट पे जहाँ पे उन्होंने बुकिंग की हुई थी वो बुकिंग नहीं हो पाई, लेकिन जहाँ पे वेन्यू उन्होंने सेट किया है सारी चीज़ें वगैरह, और वो मैरिज हॉल से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इवन के जो बर्तन है हर चीज़ है वो आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो व्यूअर्स यहाँ पे टेंट वगैरह हो रहे हैं, इस तरह से पूरा एक मैरिज हॉल सिस्टम बनाया गया, लेकिन उसके बाहर भी लोगों को पता चला कि यहाँ पे शादी है, तो उन्होंने अपनी जो जितनी भी चीज़ें हैं ज़रूरत की, कुछ बच्चों के पसंदीदा चीज़ें जैसे कि फ्रेंच फ्राइज हो गए, खिलौने हो गए, इस तरह से चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी, और ये भी जारी था। और ये देखें व्यूअर्स कितना प्यारा ऐसे लग रहा है जैसे हम वाकई में इस तरह जो हॉल है या मार्केट है इस तरह से आए। बहुत अच्छा वेलकम, रेड कारपेट के साथ वेलकम हुआ, यहाँ पर चलने का मज़ा अलग था, बस थोड़ा सा संभल के चलना पड़ रहा था। और यहाँ पे ऑलरेडी जो ब्राइड थी जो कि भाभी की भाभी हैं तो वो भी बैठी हुई थी क्योंकि उनकी एक दिन पहले शादी हो गई थी। और इस लिहाज से व्यूअर्स यहाँ पे देखें रश से आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मज़ा आया होगा। लेकिन व्यूअर्स मेरी जो शादी है ना वो बहुत बिजी गुजरी है क्योंकि मैंने ब्राइड को तैयार करवाना था, भाभी को तैयार करवाना था, उनकी चीज़ें वगैरह को, उनके हर चीज़ का ख्याल रखना था। मामा जो चीज़ें साथ लेके गई थी स्पेशल गोल्ड वगैरह की, उनका ख्याल रख रही थी, टेंशन थी इधर उधर, ये वो बहुत ज़्यादा टेंशन इस लिहाज की थी ना। लेकिन सब ने दूसरों में बहुत ज़्यादा मज़ा किया, और स्पेशली यहाँ पे जो गर्ल्स हैं तो अभी खाना मतलब खाना वगैरह लगने के पहले जो एक क्रेविंग होती है वो पूरी की जा रही है, और फोटोशूट वगैरह कुछ इस तरह से यहाँ पे किया जा। मेरे पिक्स इतनी खास नहीं ले पाई क्योंकि मैं ब्राइड के साथ थी और बेबी मेरे साथ था, फिर बेबी भी रश वगैरह उसे बिल्कुल नहीं हजूम पसंद हुई है। तो किस इस तरह कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही रहे थे। तो व्यूअर्स ये है जी जो कि मैंने बोला है कि मार्की भी लग रही है, वेज और भी लग रहा है, और जो मेन्यू भी आपके साथ शेयर कर दियो, बर्तन देखें व्यूअर्स हर चीज़ स्पेशली बहुत रेंज अच्छी की गई। बस अगर जगह या बुकिंग हो जाती ना तो और मतलब हो जाना था इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ये वो बड़ी है, ये जो गोल्ड का सेटअप व्यूअर्स साथ गोल्ड की रिंग है, इस तरह सारा कुछ ये, और ये बड़ी भी थोड़ी सी दिखाएगी क्योंकि सब ने बोला था कि हमें दिखाएं कि आप लेके आएँ किस तरह से, तो हमें दिखानी पड़ी। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलती हूँ पार्ट टू के साथ जो कि शादी का व्लॉग होएगा, भाई की शादी की व्लॉग। तो आपने इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी देखें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।